स्कूली वाहन सुरक्षा अभियान के तहत बुधवार को गोरखपुर पुलिस ने सुबह 6:30 बजे से 8:30 बजे तक नगर क्षेत्र के स्कूली वैन बस ऑटो का सघन चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें 18 बिंदुओं पर कुल 280 स्कूलों वाहनों की चेकिंग किया गया, जिसमें 13 वाहनों की अनियमितता पाए जाने पर MB एक्ट में चालान भी किया गया तथा शेष वाहनों को सुधार हेतु निर्देशित किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP सिटी डॉक्टर कौस्तुम ने बताया कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए बसों की चेकिंग की गई, जिसमें 18 स्कूली बसों के ड्राइवरों एवं बस के रखरखाव में अनियमितता पाए जाने पर उसका चालान भी किया गया। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने स्कूली बसों के ड्राइवरों और प्रबंधकों को चेतावनी भी दिया कि भविष्य में चेकिंग के दौरान स्कूली वाहनों में कमी पाए जाने पर MB एक्ट के तहत चालान के साथ ही वाहन सीज भी की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP सिटी डॉक्टर कौस्तुम ने कहा, आज ऊपर शासन और DG साहब के आदेशानुसार ADG जोन साहब और IG रेंज साहब के निर्देश में, कप्तान साहब के निर्देश में, आज सुबह 6:30 से 8:30 स्कूल वाहन सुरक्षा अभियान चलाया गया। इसके अंतर्गत शहर के सभी थाने एक साथ 6:30 से 8:30 के बीच में सड़क पर आए और इनके द्वारा स्कूली वाहनों की चेकिंग के लिए सभी वाहनों को रोककर एक निर्धारित प्रोफॉर्मा के तहत चेकिंग की गई। इस प्रोफॉर्मा में 18 बिंदु थे, लिखित प्रोफॉर्मा लेके सभी निकले थे। 18 बिंदु जो थे वो DG परिपत्र आता है उसके अनुरूप बनाए गए थे। इस चेकिंग के दौरान 280 लगभग वाहनों को चेक किया गया, उनमें से 13 वाहनों का चालान किया गया। किसी भी वाहन को सीज इसलिए नहीं किया गया क्योंकि किसी बच्चे को असुविधा ना हो, और इस पूरे चेकिंग का दो महत्वपूर्ण बिंदु थे जिन पर चेकिंग की गई। पहला तो ये कि स्कूली वाहनों की सुरक्षा बढ़े, दूसरा जो बच्चों का पुलिस वालों से इंटरेक्शन है, जो इंटरफेस है, वो एक अच्छा रहे। तो इसलिए ये सुनिश्चित किया गया कि इस पूरे अभियान के दौरान पुलिस विनम्र रहे, और आपको सराहना करनी पड़ेगी गोरखपुर पुलिस की इसलिए कि 6:30 से 8:30 बारिश हो रही थी, उसके बाद भी पूरी फोर्स जो है वो निकली, उसने पूरी हर तरह से चेक किया। जिन बिंदुओं पे चेकिंग की गई थी वो थी ओवरलोडिंग, फायर एक्सटिंग्विशर, चलाने वाले की लाइसेंस, चलाने वाले की दक्षता की 5 साल से चला रहे कि नहीं, गाड़ियों की फिटनेस, गाड़ियों की परमिट, कोई अनाधिकृत रूप से LPG किट लगा के चल रहा है, तो ये बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए ये करवाया गया था। इनकी लिखित रिपोर्ट जनरेट की जा रही है जो कि उनके विद्यालय के प्राचार्यों से भी साझा की जाएगी। सारी की सारी रिपोर्ट लिखित में जनरेट की गई है, उसका अभी एनालिसिस होकर आपको पूरा डेटा दिया जाएगा कि क्या क्या पाया गया है। चेतावनी सभी को दी गई जिसमें कमी पाई गई थी, जिन जिन बिंदुओं पर कि आप इनको करेक्ट कर रहे, जिसमें ग्रॉस वायोलेशन था उन सबका चालान किया गया। आगे इसमें और कठोर कार्रवाई की जाएगी, मगर ये एक वार्निंग की तरह थे इसलिए पहले अभी हमने गाड़ियाँ सीज नहीं की हैं ताकि किसी को असुविधा ना हो। अभियान हर थोड़े दिन पे चलता रहेगा। इनफैक्ट ये यातायात मुख्यालय जो है IG साहब के अंडर, उनके यहाँ से एक निर्देश भी आए हुए हैं कि एक पूरे महीने अभियान चलना है इसमें, जिसमें लगातार अलग अलग जगह पर इसी तरह से चेकिंग की जाएगी। वाहन चालक का नाम, नंबर, ये सारा कुछ रिटर्न रिपोर्ट में भी लिया गया है और उस पर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखवाने के निर्देश दिए गए हैं कि किसी घटना के समय किसे इमरजेंसी में कॉन्टैक्ट करें, और उनको ये भी निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी गति सीमा का उल्लंघन ना करें और ना ही क्षमता से ज़्यादा बच्चों को बिठाएं। सर, इसके अलावा जो ऑटो बच्चों को ले जाते हैं, इस तरह का मर्जी गाड़ियाँ ले जाती हैं, इनके क्या? इनके लिए अगर इनके पास परमिट नहीं है और अगर ये ओवरलोडिंग करते हैं तो इनके ऊपर भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जो भी वाहन स्कूली बच्चों को ले जाते हैं सबकी चेकिंग की जाएगी, सिर्फ बसों के लिए नहीं है, हर उस वाहन के लिए जिससे बच्चे जाते हैं स्कूल।